सतौन जनमंच में महिलाओं द्वारा ऐतिहासिक हाथ से बनाई गई वस्तुएं जैसे पहाड़ी चटाई, महिलाओं द्वारा दूना पत्तल, पुराने मॉडल के बैग, बर्तन रखने के लिए रिंग, हाथ से बनी कई प्रकार के स्वेटर, इन सभी वस्तुओं को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ पड़ी। जनमंच में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने भी इन शॉल पर रुककर सभी महिला मंडलों की महिलाओं से बात की और महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं की पूरी जानकारी ली। सरवीण चौधरी ने कहा कि ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। महिला मंडल सदस्यों ने बताया कि स्टोन चूना पत्थर मंडी से कई महिलाएं पौंटा साहब फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती थी, पर उपायुक्त सिरमौर द्वारा महिलाओं को डूना पत्तल मशीन एवं कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं ताकि महिलाओं को घर द्वार पर ही रोजगार मिल सके। यहाँ की महिलाएं कई प्रकार की वस्तुएं तैयार कर रही हैं जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। महिला मंडल के सदस्यों ने कहा कि यहाँ की कई प्रकार की महिलाओं के हाथ से बनी वस्तुएं रखी गई हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि महिला मंडल की महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए ताकि पूरे देश की महिलाएं आगे बढ़ सकें। मोदी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है और वे चाहती हैं कि पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं भी इस प्रकार की वस्तुएं तैयार करें और उन्हें जनमंच के माध्यम से ये सरकार के मध्य अच्छे मूल्य भी प्राप्त हो सकते हैं। और हम यहाँ पर इसमें पहले पत्तल का काम दिया था, वो मशीन की वजह से चल नहीं पाया, तो अब हम स्वेटर वगैरह बुन रहे हैं और सिलाई का भी काम है हमारे पास। और हमने मैडम को भी बोला है कि हमारे लिए बुनाई के लिए वो मशीन होती है ना, जो नीटिंग मशीन, वो दे। और वैसे बहुत अच्छा चल रहा है ये काम, लेडीजें इससे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार रही है और आगे भी हम चाह रहे हैं कि और लेडीजें हमारे साथ जुड़े। इसमें तो फायदा ये है कि अगर स्वेटर कोई किसी को पसंद आ रही है तो वो ले सकते हैं और हम महिला मंडल प्रधान ने बताया कि यदि यहाँ पर इस मशीन को सुचारू रूप से चलाया जाए तो यहाँ की महिलाओं को अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को एक दिन में 200 से 300 रुपए कमाने का मौका मिलता है। यदि महिलाओं को सरकार हर प्रकार की सुविधा पहुंचा रही है तो महिलाएं यहाँ से पौंटा या कहीं और क्षेत्र में काम के लिए नहीं जाएंगी और उन्हें घर द्वार पर ही कार्य मिलेगा और अच्छा फायदा भी मिलेगा। उन्होंने जयराम सरकार से आग्रह किया कि यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए कार्य करें ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। महिलाएं सक्षम होगा दिखा रही है, जैसे बुनाई पत्तल वाले कार्यक्रम आए और भी कई कार्यक्रम, जैसे ब्यूटी पार्लर कोर्स भी, मतलब हम लोग अपने शॉप में जो है बुनाई का शॉप में भेजते हैं और जब मैं भेजते हैं ब्लॉग के माध्यम से, इसी ग्रुप के माध्यम से बताना चाहूँगी की मैं उनसे जुड़ी हूँ, ब्लॉग से जुड़ी हूँ और ब्लॉग का भी धन्यवाद करती हूँ और सोशल बैंक का जो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं हमें ऊपर उठाने के लिए, सामान हमारे पास नहीं होता है तो जो लोग हमें मिलते हैं उससे सामान लेते हैं, उससे हम लोग जुड़े होते हैं और बहुत ही अच्छा चलता है। महिलाएं बहुत सक्षम हो गई है, पहले जो महिलाएं अंदर रहती थी अब बाहर निकल के अपने भी कला निखार रही है और घर की जो आमदनी है बढ़ा रही है। एच टुडे के लिए पौंटा से रॉबिन की रिपोर्ट।